हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजम है। दोस्तों, पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास में आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था भाषा, भाषा के प्रकार और भाषा की विशेषता किसे कहते हैं, सबसे पहले बालक किस भाषा का प्रयोग करता है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज वाली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे भाषा में ही व्याकरण और भाषा के कौशल, कि व्याकरण किसे कहते हो, व्याकरण क्यों लाया गया, ये सारी वीडियो हम इसमें पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। मैंने पेडागोजी की सीरीज चलाई है, जिससे आपको पूरे सीटेट में जितने भी पेडागोजी जितने भी टेस्ट एग्जाम में आती है वो सब आपको पूरी पूरी मिलेगी। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो व्याकरण क्यों लाया गया, देखो समझते पहले हम ये देखते हैं दोस्तों व्याकरण होता क्या है। सबसे पहले भाषाई के व्याकरण आए, तो सबसे पहले भाषाई फिर उस व्याकरण लाया गया। तो देखो व्याकरण थोड़ा लिखें हम, देखो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सही अर्थ प्रदान करता है। व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है। शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से, व्याकरण हमें यह बताता है कि भाषा में कौन सा शब्द कहां पर रखा जाए, कौन सा शब्द कहां पर रखा जाए और व्याकरण के द्वारा भाषा को सही मार्ग पर लाया जाता है। अब समझना दोस्तों बात, यहां पर एक नोट करते हैं थोड़ा, तो समझना, एक होती है भाषा और एक होता है व्याकरण। सर्वप्रथम आई भाषा और दूसरे नंबर पर व्याकरण। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्याकरण पहले आया या भाषा पहले आई, तो दोस्तों सबसे पहले क्या आई, भाषा आई, क्योंकि बच्चे का जब से जन्म होता है, जन्म लेने के बाद ही बच्चे की भाषा शुरू हो जाती है। अब मैंने आपको एक बात ये और बताई थी कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों भाषा के तीन प्रकार होते हैं, समझना। एक होता सांकेतिक भाषा, दूसरी मौखिक और तीसरी दोस्तों होती लिखित भाषा। यानी सबसे पहले बालक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेगा, उसके बाद मौखिक का, उसके बाद लिखित का, और इन तीनों भाषाओं को शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए, शुद्ध या सार्थक
बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं, समझना। अगर ये क्वेश्चन ये पूछा सबसे पहले भाषा या व्याकरण, तो सबसे पहले भाषा, यानी बालक पहले अपने परिवार से जो सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, कैसी भी भाषा हो, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, सबसे पहले बालक किसका प्रयोग करेगा? भाषा का प्रयोग करेगा। और जैसे ही बालक घर से निकलकर बाहर स्कूल में प्रवेश लेता है तो उसका क्या स्टार्ट हो जाता है दोस्तों? व्याकरण। अब व्याकरण लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इतना ध्यान रखना, जब भी आप प्राइमरी लेवल का एग्जाम देंगे तो प्राइमरी लेवल पर कभी दोस्तों आपको व्याकरण की बात नहीं करनी है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चे की नेचुरल भाषा को मान्यता प्रदान की जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार से जो भाषा लेकर आता है उसको मान्यता देनी है। और जैसे उसे एक या दो साल पढ़ने के हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसे व्याकरण सिखाते हैं। सब एक बच्चा अपने घर से आता है और अपने परिवार की भाषा को लेकर आता है, तो एक अध्यापक को उसे मान्यता देनी चाहिए या नहीं, चाहे वो गलत भाषा को लेकर आया है? तो दोस्तों एक अध्यापक को जैसी वो भाषा लेकर आया है उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। उसको शुद्ध रूप देने के लिए, उसको सही रूप देने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है? व्याकरण का। देखो मैंने लिखा है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें जो भाषा को सही अर्थ प्रदान करता है, यानी सही अर्थ प्रदान करना, सही रास्ते पर लाना, शुद्ध और सार्थ प्रदान करना किसका कार्य होता है? भाषा को, व्याकरण का। व्याकरण के द्वारा एक बालक को ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, विराम चिन्हों का ज्ञान कराया जाता है, यानी भाषा के अंदर जो भी सार्थक ज्ञान है उसका ज्ञान कराने के लिए हमें दोस्तों किसका प्रयोग करना है? व्याकरण का प्रयोग करना है। एक बात तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये आता है भाषा को सही अर्थ और सही ज्ञान कौन प्रदान करता है, तो व्याकरण शास्त्र। भाषा में कौन सा शब्द कहाँ पर और किस जगह रखना है वो हमें व्याकरण बताता है। भाषा को सार्थक रूप कौन प्रदान करता है? व्याकरण बताता है। अब ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले व्याकरण में क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, इतना ध्यान रखना है कि व्याकरण भाषा को सही और सार्थक ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलें। अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो आपको व्याकरण को कहीं नहीं लगाना है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चे को व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। जैसे ही अपर प्राइमरी पर हम जाते हैं तो व्याकरण का ज्ञान स्टार्ट हो जाता है। अगर ये पूछे कि सबसे पहले कौन आया, तो दोस्तों सबसे पहले भाषा आई, उसके बाद क्या आया? व्याकरण आया। भाषा के प्रकार कितने दोस्तों? सांकेतिक, मौखिक, लिखित। इन तीनों को शुद्ध और सार्थक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट, अगर दोस्तों बात करें इसके अंग की, व्याकरण के अंग की, तो दोस्तों इसके तीन अंग मानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या आता है? ध्वनि आती है, या वर्ण आता है। दूसरा उसके बाद शब्द आता है, यानी वर्ण विचार या ध्वनि विचार। दूसरा शब्द विचार, और तीसरा आता वाक्य विचार। अगर दोस्तों ये पूछे कि व्याकरण के कितने अंग माने गए हैं, तो दोस्तों आपको बताने तीन अंग माने गए हैं। कौन कौन से? पहले ध्वनि या वर्ण। अगर ये पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण होता है, तो सबसे पहले एक स्वतंत्र अक्षर जो होता है, उसके बाद शब्द बनते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे शब्द, सबसे पहले बालक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, तो सांकेतिक भाषा कौन सी हुई? ध्वनि, जो भी हम निकालते हैं ऐसे करता है या कोई हाथों का इशारा करता है। फिर उसके बाद शब्द जब उनका प्रयोग करता है तो किस भाषा का प्रयोग करता है? शब्द विचार, यानी मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। फिर वाक्य जो विचार हो जाते हैं वो वाक्य विचार यहां पर चल जाता है, सांकेतिक। दूसरा मौखिक आ जाता है यहां पर, और यहां पर दोस्तों मौखिक और लिखित दोनों आ जाता है। मौखिक और लिखित, यानी सबसे पहले बालक किस भाषा का प्रयोग करेगा? ध्वनि या वर्ण विचार का। फिर उसके बाद शब्द विचार का, फिर उसके बाद वाक्य विचार का। सबसे पहले बच्चा छोटा माँ बोलता है, पा बोलता है, जो कुछ भी बा बोलता है, तो पहले एक ध्वनि निकालता है, मम्मा पप्पा, ऐसे कुछ ना कुछ एक ध्वनि निकालेगा। फिर उसके बाद उसके शब्द बन जाते हैं, फिर उसके बाद शब्दों को जोड़कर जो बनाता है वो वाक्य बनाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछे कि व्याकरण के अंग कितने माने गए, तो तीन माने गए, ध्वनि या वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन पुटअप होता है व्याकरण के उद्देश्य, कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई जो व्याकरण को लाया गया, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्याकरण को पढ़ाने के पीछे राज क्या है, वो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम व्याकरण के उद्देश्य। देखो पहला, यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं ज्यादा से ज्यादा, समझना। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा, व्याकरण भाषा को सार्थक रूप प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। तीसरे की बात करें, व्याकरण भाषा को क्रमबद्ध रूप प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, व्याकरण के द्वारा छात्रों को शब्दों और अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, व्याकरण के द्वारा छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है, व्याकरण के द्वारा छात्रों को विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट, व्याकरण छात्रों को आरोह अवरोह, इसको बोलते हैं उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव का ज्ञान कराता है। नेक्स्ट आता है, व्याकरण छात्रों को लोकोत्तम महावरों का प्रयोग करना
सिखाता है, एक को लिखेंगे व्याकरण के द्वारा छात्र भाषा प्रयोग करना सीखता है, एक लिखेंगे व्याकरण भाषा को सही रूप और सार्थक ज्ञान प्रदान करता है, सार्थक ज्ञान प्रदान करता है। दोस्तों ये है, नोट करें इसको। देखो दोस्तों, व्याकरण लाने का मुख्य उद्देश्य ये था दोस्तों, ऐसी जरूरत पड़ी कि व्याकरण ये लाया गया। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, मैंने इतने वो लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है। अब समझना क्या होता है, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करना। अगर एक बालक अपने परिवार से आता और गलत भाषा लेके आता, तो पहले तो हमें उसको स्वीकार करना है, फिर उसके बाद उसे सही रूप शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाएगा, व्याकरण का। यानी व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है, सही अर्थ प्रदान करता है, एक सही ज्ञान प्रदान करता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करने में किसका महत्वपूर्ण आता है दोस्तों, तो आपको लगाना व्याकरण का। भाषा को सार्थक रूप यानी सच में जो रियलिटी में जो सत्य है, जो भाषा जिसके लिए प्रयोग की जाती है, उसको करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे सपोज एक बात लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं राम। अब राम को सही शब्द लिखने के लिए बड़े आ की मात्रा लगानी पड़ रही है। अब जो मात्राओं का जो ज्ञान कराया जाता है वो किस में कराया जाता है दोस्तों, व्याकरण में कराया जाता है। इतना ध्यान रखना है कि जो मात्रा है, जो ध्वनि है, उन सब का ज्ञान कराने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है, व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भाषा को क्रमबद्ध रूप कौन प्रदान करता है। अब क्रमबद्ध ऐसा नहीं कि सबसे पहले आ रहा है छोटा, बड़ा, फिर उसके बाद आएगा छोटा, फिर उसके बाद ऊ, फिर उसके बाद ई, तो ये ऐसे नहीं होगा। यानी क्रम से जो वर्णमाला लिखी जाती है, जो क्रम से जो वर्णमाला को रूप प्रदान किया गया है, वो किसने दिया है दोस्तों, व्याकरण। अगर भाषा को क्रमबद्ध रूप प्रदान कौन करता है, व्याकरण करता है। भाषा जो परिवार की होती है वो तो अनियमित होती है, लेकिन नियमित रूप और क्रमबद्ध रूप कौन प्रदान करता है दोस्तों, व्याकरण करता है। एक क्वेश्चन आता है, छात्रों को शब्दों और अक्षरों का। अब भाई अक्षर कौन से होते हैं, शब्द कौन से होते हैं, ध्वनि कौन सी होती है, वाक्य कौन से होते हैं, लोकोक्ति क्या होती हैं, मुहावरे क्या होते हैं। अब मैंने ये लिख दिया, यहां पर एक लिख दिया श्याम और एक लिख दिया अ, तो इसमें वर्ड क्या है और अक्षर क्या है, शब्द क्या है, वर्ड क्या है, ये सब क्या है, इसका पता लगाने के लिए हमें किसको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, व्याकरण को। क्योंकि व्याकरण के द्वारा छात्रों को शब्दों और अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, ये सब किसके द्वारा प्रदान की जाती है, व्याकरण के द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन है, छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है। अब बात यहाँ पर ध्वनि की बात कर दें दोस्तों, तो एक बच्चे को हम सिखाते हैं छोटा आ, तो तब इसकी ध्वनि क्या निकलेगी, अब फिर उसके बाद पढ़ाएंगे हम बड़ा आ, तब उसकी ध्वनि क्या निकलेगी, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे छोटा ऊ या छोटी ई, तो छोटी ई पढ़ाने में कैसी ध्वनि निकलती है, छोटा ऊ पढ़ाने में कैसी ध्वनि निकलती है, छोटा आ पढ़ाने में कैसी ध्वनि निकलती है, बड़ा आ पढ़ाने में कैसी ध्वनि निकलती है, इनका ज्ञान कराने के लिए दोस्तों छात्रों को क्या पढ़ाया जाएगा, व्याकरण पढ़ाया जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आए कि व्याकरण के द्वारा छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है, जी हाँ। नेक्स्ट आते हैं, व्याकरण के द्वारा छात्रों को विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। अब कौन सा विराम हमें किस जगह पर लगाना है, एक होता पूर्ण विराम, एक होता अल्प विराम। अब पूर्ण विराम तो ये हो गया, एक होता कोमा, तो इन सब का प्रयोग हमें कहाँ पर और कैसे लगाना है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया, तो यहाँ पर पूरा वाक्य खत्म हो गया है। अब यहाँ पर अगर कोई इसके साथ में एक और वाक्य जुड़ा हुआ है तो कॉमा लगा दें। जैसे राम और श्याम ने मिलकर, राम और श्याम ने मिलकर ये काम किया, तथा उनके साथ भी उन्होंने किया, तो कॉमा लगा से जब दो वाक्य जुड़ते हैं तो कॉमा का प्रयोग कर लेते हैं, जब एक वाक्य पूरा खत्म हो जाता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन विराम चिन्हों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, सिखाया जाता है छात्रों को,
व्याकरण के द्वारा सिखाया जाता है। अब व्याकरण छात्रों को आरोह या अवरोह यानी उतार चढ़ाव, जब एक छात्र किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ता है तो उसमें पढ़ते समय एक लय का होना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर वो थोड़ा कम आए, जरूरत पड़ने पर थोड़ा ऊंची आवाज में बात करे, इन सब का प्रयोग करने के लिए हमें किसका सिखाया जाता है, व्याकरण को सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है व्याकरण छात्रों में लोकोक्तियां और मुहावरों के प्रयोग करना। अब आपने सुना होगा एक शब्द में बहुत सारी बात कहना, जैसे एक बात आता मुहावरा आता है कि ईद का चांद होना, या मतलब ईद का जो चांद हुआ जो कभी कभी दिखाई देता है, एक अनार सौ बीमार, तो इन सब का जो प्रयोग करना सिखाया जाता है दोस्तों किस में सिखाया जाता है, वो व्याकरण में सिखाया जाता है। यानी व्याकरण के द्वारा एक छात्र को लोकोक्तियां मुहावरों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। दूसरा, व्याकरण के द्वारा छात्रों को भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। अब भाषा प्रयोग के कैसे अवसर दिए जाते हैं कि किस समय हमें किस भाषा का प्रयोग करना है और कौन सी जगह पर कौन से व्याकरण का प्रयोग करना है, इन सब का प्रयोग करने के लिए हमें क्या सीखना चाहिए, व्याकरण सीखना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्याकरण भाषा को सही रूप और सार्थक ज्ञान, यानी सही रूप में भाषा का क्या अर्थ होता है ये दोस्तों हमें कौन बताता है, व्याकरण बताता है। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं व्याकरण की विधियों से, व्याकरण की विधियों से आप इसको नोट कर लें दोस्तों। यहां से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है। अब आती हैं दोस्तों व्याकरण की विधियां। व्याकरण की विधियां देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकरण विधियां, दूसरी दोस्तों बात करते हैं प्रत्यक्ष विधियां, तीसरी बात करते हैं भाषा प्रयोग विधि, नेक्स्ट बात करते हैं भाषा संसर्ग विधि, सहसंबंध विधि, श्रवण विधि, मनन विधि, ये इतनी विधि है सर। इसमें से पहले मैं इसको बताता हूं भाषा संसर्ग विधि क्या होती है। देखो इस विधि में छात्रों को उन लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं जो भाषा से संबंधित होती हैं। कौन सी विधि में, भाषा संसर्ग विधि में, यानी इस विधि में छात्रों को उन लेखकों उन कवियों की कृतियां या जीवनी पढ़ाई जाती हैं जो उसके भाषा से संबंधित होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या होती है दोस्तों, अब समझना कि जब एक बालक परिवार में रहता है तो जो उसके परिवार में रहने वाले बड़े सदस्य हैं वो जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो उस भाषा को सीखेगा। दो परिवार में दोस्तों ये वाला एक ये परिवार है और ये परिवार, ये अनपढ़ परिवार है और एक शिक्षित परिवार है।
तो इन इसमें एक बच्चा और इसमें एक बच्चा है, तो इसमें जो बोली जाने वाली भाषा है उसका प्रयोग ये वाला बच्चा अनुकरण करके सीखेगा और इसमें बोली जाने वाले उसका अनुकरण करेगा। यानी बालक में जो सबसे पहले भाषा का विकास होता है और जो वो स्कूल में लेके आता है और जिस भाषा को वो सिखाया जाता है उसके हिसाब से वो लाया जाता है। तो व्याकरण की भी अनुकरण विधि, एक शब्द इसमें एक बहुत अच्छी भाषा बोली जा रही है सार्थक शुद्ध और, तो उसका प्रयोग करेगा। ये कैसे प्रयोग करेगा, तो अनुकरण के द्वारा सबसे पहले भाषा का प्रयोग होता है। व्याकरण प्रत्यक्ष विधि, अब जो सामने हमारे बोली जा रही है उसी के आधार पर हमें उसका विकास होता है। सपोज एक बात ध्यान रखना, एक बात मैंने आपको बताई थी पिछली वाली वीडियो में कि बात भाषा में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ किसका होता है, वातावरण का। सपोज एक समाज ऐसा समाज है जिसमें हर समय गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, हर बात गाली गलौज की बात होती है, तो बच्चा जिसमें रह रहा है तो उसकी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। एक वातावरण ऐसा है कि बहुत अच्छा शिक्षित समाज रह रहा है तो उसमें उस भाषा का प्रयोग होगा। तो सबसे बड़ा हाथ जो प्रत्यक्ष विधि जो जैसी हमें दिखाई देती है उसी हिसाब से उस भाषा का विकास होता है, वो प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। अब भाषा प्रयोग विधि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर एक छात्र में हमें भाषा के प्रयोग करना सिखाना, व्याकरण का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना सिखा रहा है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा निबंध लिखने का अवसर दिया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंताक्षरी करवानी चाहिए। अगर बालक को विभिन्न संदर्भों में और विभिन्न व्यक्तियों के साथ भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाएं तो सबसे ज़्यादा भाषा का विकास उसमें होगा और सबसे अच्छा व्याकरण होगा। भाषा संसर्ग विधि, दोस्तों मैंने आपको बताई दी है कि इस विधि में छात्र को उन लेखकों की कृतियाँ पढ़ाई जाती हैं जो भाषा से संबंधित होते हैं। यानी एक ऐसा लेखक जिसने सबसे ज़्यादा भाषा के बारे में कार्य किया है तो हमें उसके बारे में छात्रों को बताएंगे कि इन्होंने ये काम किया है, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, इस वजह से इनमें भाषा का विकास ज़्यादा से हुआ है। अब सहसंबंध विधि, जो बालक में जो भाषा का विकास होता है वो उसके परिवार से संबंधित होना चाहिए। देखो एक परिवार, ये परिवार ऐसा है कि परिवार में तो भाषा बोली जा रही है हिंदी और लेकिन जब उसके स्कूल में टोटली बोली जाती है इंग्लिश, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बालक को वो भाषा सिखानी चाहिए जो उसके परिवार से संबंधित हो। अब जब वो इंग्लिश स्कूल में जाएगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेगा, जब वो घर आएगा तो हिंदी पढ़ेगा, तो बड़ा कन्फ्यूजन में रहेगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, हिंदी पढ़ूँ कि इंग्लिश पढ़ूँ। तो इसका वो सहसंबंध होना चाहिए कि बालक जिस परिवार में रहता है, जिस परिवार में स्कूल में जो भाषा बोली जा रही है उसे वातावरण दोनों जगह एक जैसा मिलना चाहिए। श्रवण विधि, अब इसका बड़ा मुख्य उद्देश्य, एक बालक में सबसे पहले भाषा का जो विकास होता है वो सुनने के द्वारा होता है। सबसे पहले जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो वो ध्वनियाँ सुनने लगता है, अब जैसी ध्वनि सुनेगा उसके हिसाब से उसमें भाषा का प्रयोग होगा। मनन विधि, जब एक और लिख लेते हैं दोस्तों, श्रवण मनन और निधिध्यासन विधि। निधिध्यासन विधि, अब एक बात ध्यान रखना है कि जब बच्चा सुनेगा सबसे पहले कि सही गलत जो भी भाषा उसके प्रयोग में आ रही है, अच्छा वर्ड आ रहे हैं गंदे वर्ड आ रहे हैं, वो सब देखेगा, फिर उनके बाद उन पर मनन करेगा कि भाई ये जो भाषा मुझे सिखाई जा रही है, जो शब्द भी मुझे सिखाए जा रहे हैं, जो मात्रा जो मुझे सिखाई जा रही है वो सही या गलत है, यानी चिंतन करना उस पर, सही और गलत पर चिंतन करेगा कि नहीं भाई ये वाली भाषा गलत और ये वाली सही है। अब सही उसने गलत वाली तो छोड़ दी और सही वाली अपना के फिर निधिध्यासन विधि में वो अपने व्यवहार में डालता है, यानी सुनना, चिंतन करना और अपने व्यवहार में ढालना। अब देखो मैं इनको ऐसे भी लिख देता हूं, सुनकर अर्जित करना, चिंतन कर भाषा, भाषा को अपने व्यवहार में ढालना। यानी पहले सुनेगा फिर उस पर चिंतन करेगा कि मैं जो सुन रहा हूँ वो सही है गलत है, और जब उसे सही होगी तो उसे अपने व्यवहार में ढाल लेगा। ये थे दोस्तों व्याकरण का उद्देश्य, व्याकरण की विधियाँ, इनको नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों हम कौशल पर। कौशल से कंपलसरी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। पहले आज मैं पढ़ाऊंगा कौशल होते क्या हैं, कौशलों को कितने भागों में बांटा गया और कौशलों का मुख्य उद्देश्य क्या है, फिर डिटेल में मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। अब आते हैं दोस्तों कौशल। सबसे पहले बात करते हैं भाषा के कौशल कितने दोस्तों,
चार क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो क्रम से है दोस्तों, ये इतना ध्यान रखना, किसने क्रम से है, पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर ये दोस्तों ये पूछे कि कौशल कितने हैं, चार, क्रम से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। अब ये पूछे कि इसके भाग कितने प्रकार, तो दोस्तों इसके प्रकार हैं दो। पहला ग्रहात्मक कौशल और दूसरा अभिव्यंजनात्मक कौशल। अगर दोस्तों ये पूछे कि भाषा के कौशलों को कितने भागों में बांटा गया, तो दो में, ग्रहात्मक या अभिव्यंजनात्मक। ग्रहात्मक का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है ग्रहण करना। अभिव्यंजनात्मक का दोस्तों अर्थ जो होता है वो होता है प्रकट करना। विचार प्रकट करना। अब इन चार कौशलों में से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब इन चार कौशलों में से वो कौन से दो कौशल हैं जो ग्रहात्मक, जो हमें ग्रहण कराते हैं, तो दोस्तों एक होता सुनना और एक होता पढ़ना। भाई जब हम किसी को सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेंगे, या जब हम कोई बुक पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहात्मक कौशल है, तो सुनना और पढ़ना। अभिव्यंजनात्मक कौन से होते हैं, जिन्हें के द्वारा हम प्रकट कर देंगे। तो देखो ये कौन कौन से होते हैं, एक तो बोलेंगे, बोलना और लिखना, ये दो हैं अभिव्यंजनात्मक और ये दो हैं ग्रहात्मक। अब मैं जो बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ प्रकट ही कर रहा हूं, जब आप लिखेंगे कुछ ना कुछ तो प्रकट ही करेंगे, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो अभिव्यंजनात्मक, आप सुन रहे तो ग्रहात्मक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे तो अभिव्यंजनात्मक, फिर आप लिखकर उसको पढ़ेंगे तो ग्रहात्मक। यानी पढ़ेंगे तो हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, और बोलेंगे तो कुछ ना कुछ प्रकट करते हैं, सुनेंगे तो कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। अब देखो ये होते क्या है, समझना। पहला सुनना कौशल में ज्ञान, सुनकर अर्जित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा बोलना या मौखिक कौशल में ज्ञान, दूसरों से वार्ता करके वार्तालाप करके अर्जित किया जाता है। तीसरा पढ़ना या वाचन कौशल में
ज्ञान, किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर अर्जित किया जाता है। लेखन कौशल में ज्ञान स्थायी होता है। समझना दोस्तों क्या है, अगर ये पूछे कि भाषा के कौशल कितने हैं तो दोस्तों आपको लगाने चार। कितने कौशल हैं? चार। अगर पूछे कौन कौन से, तो क्रम से आपको याद करने, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, SBPL, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर ये पूछे कि भाषा के कौशलों को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया, गृहात्मक कौशल और अभिव्यंजनात्मक कौशल। गृहात्मक और अभिव्यंजनात्मक। अब गृहात्मक का शाब्दिक अर्थ होता है ग्रहण करना, यानी इन चारों कौशलों में से कौन से दो कौशल हैं जो किसी छात्र को, किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ ग्रहण करवाते हैं। तो एक व्यक्ति जब सुनेगा तो कुछ न कुछ ग्रहण करेगा, पढ़ेगा तो कुछ न कुछ ग्रहण करेगा। अब दूसरा आता है अभिव्यंजनात्मक कौशल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुछ न कुछ प्रकट करना। तो जब बोलेगा तो कुछ न कुछ प्रकट करेगा, और लिखेगा तो कुछ न कुछ प्रकट करेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि सुनना कौशल में जो ज्ञान है वो सुनकर अर्जित किया जाता है। बोलना कौशल यानी मौखिक कौशल में ज्ञान दूसरों से बात करके, संचार करके, कम्युनिकेशन करके, वार्तालाप करके अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट, पढ़ना या वाचन कौशल में ज्ञान, एक छात्र किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ता है, फिर उससे संबंधित उसको ज्ञान को अर्जित करता है। लेखन कौशल यानी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा कौशल स्थायी कौशल होता है, तो ये होता है दोस्तों स्थायी कौशल। कैसा होता है? स्थायी। और परिवर्तनशील कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है परिवर्तनशील, और ये होता है दोस्तों अपरिवर्तनशील। क्योंकि जब एक व्यक्ति बात करता है तो बात बात में वो पलट जाता है, परिवर्तनशील है। लेकिन एक बार जो मैंने ये लिख दिया है तो उसको चेंज नहीं कर सकते, बाद में अलग ये है लेकिन ये लिख गया तो ये। तो क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थायी कौशल है? लिखना कौशल। निम्न में से परिवर्तनशील कौशल कौन सा है? बोलना कौशल है, मौखिक कौशल। अपरिवर्तनशील कौशल कौन सा है? ये वाला कौशल। आप इसको नोट कर लें, फिर और लिखते हैं थोड़ा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको पैडागोजी की सारी क्लासें मिल सके, जिससे आपको फायदा मिल सके। आप इसको नोट कर लें, फिर थोड़ा और लिखते हैं इसको। देखो अब दोस्तों नोट डाल लें आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला, सुनना कौशल अन्य तीनों कौशलों का आधार होता है। दूसरा, सुनना कौशल के बिना अन्य कौशल असंभव नहीं है। अन्य कौशल असंभव नहीं है। नेक्स्ट,
किसी व्यक्ति की पहचान बोलना कौशल मौखिक कौशल से होती है। कौशल से नेक्स्ट लेखन कौशल को द्वितीयक या गौण कौशल कहा जाता है। कहा जाता है। नेक्स्ट लेखन कौशल को स्थायी कौशल भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक को लिखेंगे लास्ट, लेखन कौशल प्रोडक्ट यानी उत्पाद तैयार करता है। समझना, मैंने आपको पहले बताया था कौशल कितने हैं, चार हैं। सुनना बोलना पढ़ना लिखना कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, अभ्यंजनात्मक और गृहात्मक। गृहात्मक कौन से, अभ्यंजनात्मक क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको कंपलसरी क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है। क्वेश्चन ये पूछा था इन चारों कौशलों में से वह कौन सा कौशल है जो अन्य तीनों का आधार है। तो ये जो तीन कौशलों का जो आधार है दोस्तों वो सुनना कौशल है, यानी सुनना कौशल अन्य तीनों कौशलों का आधार होता है। अगर ये पूछे कि निम्न में से कौन सा कौशल मुख्य कौशल होता है तो मुख्य कौशल इसको माना जाता है, क्योंकि जब ये ही नहीं होगा, जब एक व्यक्ति सुन ही नहीं पाएगा तो ना तो किसी दूसरी बात को बोल पाएगा, ना पढ़ पाएगा और ना लिख पाएगा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो बाकी आप लिख नहीं पाएंगे, ना आपसे मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर पाएंगे, ना आप पढ़ पाएंगे। तो किस कौशल को अन्य तीन कौशलों का आधार माना जाता है, सुनना कौशल को अन्य तीन कौशलों का आधार माना जाता है। अब ये भी आता है कि कौन से कौशल के बिना असंभव नहीं है तीनों कौशल, तो सुनना कौशल के बिना अन्य तीनों कौशलों की कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं पाएगा तो उसके जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। किसी व्यक्ति की जो पहचान होती है वो किस कौशल से होती है दोस्तों, मौखिक या बोलना कौशल से होती है। जब तक वो व्यक्ति मुंह नहीं खोलेगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, राजस्थान का है, हरियाणा का, बिहार का है, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, यूपी का है, अलीगढ़ का है। जब तक वो मुँह नहीं खोलेगा तब तक उसकी पहचान पता नहीं चलेगी। तो किसी व्यक्ति की पहचान किस भाषा किस कौशल से होती है, बोलना कौशल से। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सीटेट में ये कई बार पूछा गया ये वाला, कि किस कौशल को द्वितीय कौशल कहा जाता है, तो लेखन कौशल को द्वितीय कौशल कहा जाता है। किस कौशल को स्थाई कौशल कहा जाता है दोस्तों, लेखन कौशल को। जो आप लिख रहे हैं वो एक तरह से स्थाई हो जाएगा, आपके पास लाइफ टाइम रहेगा जब तक आप पढ़ते रहेंगे। और कौन सा कौशल प्रोडक्ट तैयार कराता, उत्पाद कौन सा तैयार कराता। प्रोडक्ट दोस्तों वो होता है जो हमारे पास उसकी वस्तु होती है। अब सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप जो नोट्स बना रहे हैं वो आपके पास वस्तु होगी, बाद में जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी मुझे आज कौशल पढ़ने, तुरंत आप अपनी नोटबुक निकालेंगे और उनको पढ़ लेंगे, वो कौन सा कौशल कहा जाता है, प्रोडक्ट यानी उत्पादक कौशल। निम्न में से किस कौशल को उत्पादक कौशल कहा जाता है, लेखन कौशल को। किसी व्यक्ति की पहचान किस कौशल से होती है, मौखिक कौशल से। सबसे पहला कौशल कौन सा आता है, सुनना कौशल आता है। दोस्तों ये था वीडियो, इनको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए आप इनको नोट कर लें, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पेडागोजी की मैंने एक सीरीज चला रखी है, अब तक मैंने चार वीडियो बना दिए हैं, ये पांचवी वीडियो है। ऐसे में जितनी भी वीडियो बनेंगी मैं आपको पूरी साइकोलॉजी की, पेडागोजी हिंदी की, ईवीएस की, मैथ की, यानी इंग्लिश को छोड़कर मैं हर सब्जेक्ट की आपको पेडागोजी पढ़ाता रहूँगा। जैसे आपको रीट में, डी ट्रिपल एस वी में, सुपर टेट में वो तो आने लगी, यूपी टेट में भी आने लगी और सी टेट में तो आती आती है, और संस्कृत की पेडागोजी। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो हिंदी और संस्कृत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है।
आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप इसको नोट कर लें, धन्यवाद।